तो अभी गाइस व्हाइट वॉश चल रहा है ना, तो इनको शर्म आ रही है अपने घर में कैमरा घुमाते हुए। तो भाई अब इसका फास्ट खुलने वाला है और सामने तारा है पूरा। नहीं बेकार बेकार से देखो, सुबह आपने देखा था कैसा था कमरा। हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप ज्योति। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है 24 अक्टूबर और आज है अहोई अष्टमी, तो मैंने फास्ट रखा है। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी अहोई अष्टमी। तो आज चल रहा है घर में वाइट वॉश और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:15। तो मैं नहा ली थी, काम मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 11:15 हो गए। और सुबह सुबह मैंने बहुत सारा काम निपटाया, गमले वमले सेट करे सारे ऊपर जाके, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं था, है ना। तो चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं। तो अभी गाइस वाइट वॉश चल रहा है ना, तो इनको शर्म आ रही है अपने घर में कैमरा घुमाते हुए। बहुत गंदगी। मैं जाके नहा लेता हूं, मुझे भी काम से जाना है, वो लगी पड़ी है। चलो ठीक है। तो लड्डू को हमने यहीं रखा था। चाय पी ली? यस ब्रो डन। आज एक मिनट भाई, लोग ना कमेंट कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि बड़ा ही ना कमजोर सा लग रहा है, ये लग रहा है। भाई एक बात बताओ, अगर मैं डाइटिंग करी है, मैंने 21 किलो वजन कम कर दिया 4 महीने में। हाँ 4-5 महीने में मैंने 21 किलो वजन कम किया। तो एक बात बताओ भाई, वजन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पेट से जाएगा, वजन जाता है प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट में होता क्या है कि प्रोपोर्शनेट में मतलब समझाओ, प्रोपोर्शनेट का मतलब ये है कि जैसे कि आपके फुल बॉडी में जो फैट होता है ना, ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो सिर्फ पेट का फैट चला जाएगा। पेट का फैट सबसे लास्ट में जाता है। तो पेट के फैट को काटने के लिए ना, आपको पहले अपने थोपड़े का फैट, हाथ का फैट, पैर का फैट, जो भी फैट होता है ना, उसको सबको कट करना पड़ता है। और जब वो कटता है उसके बाद मतलब पेट का फैट भी उसके साथ साथ तो जाता है, लेकिन लास्ट में पेट का फैट मैक्सिमम जाता है। तो लोग कह रहे हैं यार इसका चेहरा पतला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई अगर फैट बीमार लग रहा है, एक्चुअल में क्या है, दिक्कत ये थी ना कि लोगों ने मुझे ऐसे मोटा देखा है, चिकन कोरमा चिकन बिरयानी खाते हुए देखा है। अब मैं जो है इन सब चीजों से ना बहुत परे उठ चुका हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ कि दोबारा से इन सब चीजों को खाया जाए, है ना। मतलब खाता हूँ लेकिन लिमिटेड नहीं खाता हूँ, लेकिन हेल्दी खाता हूँ। चिकन खाता हूँ मैं, 1-1 किलो चिकन खाता हूँ, लेकिन हेल्दी खाता हूँ। तो भाई दोबारा से देखते हैं, फैट तो मैं लाना नहीं चाहता। तो भाई ऐसा ही है, ऐसे को ही देख लो जैसा हूँ, ठीक है। चलो यही कहना था, मैं चलता हूँ। तो गाइस मैं आई हूँ मार्केट लड्डू गोपाल के कपड़े लेने। गाइस मैं आ गई थी मार्केट से। तो चलो गाइस पूजा करते हैं। अभी हो गया है शाम के 3:40 अप्रोक्स। तो चलो पूजा करते हैं और अपना भी फास्ट खोलते हैं। फास्ट खोलते हैं इन द सेंस कि कुछ लोग मतलब आज के दिन दूध से रिलेटेड कुछ भी नहीं खाते हैं। दूध चाय ठीक लग रहा है मेरे को। तो पी लिया? पिया नहीं है मैंने अभी, अभी पूजा करूंगी। कहाँ जा रहे हो? हाँ तो मेरी वीडियो बना देना, खाने पीने का देख लो क्या कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है देख लो। तो चलो गाइज पूजा करते हैं। आज कुछ भी दूध से बनी रिलेटेड कुछ भी चीज़ें नहीं खाते हैं, ना चाय पीते हैं, ना दूध पीते हैं, ना दूध की मिठाई खाते हैं। आज अगर आपने काली चाय पीते तो काली चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी पी सकते हैं, जैसे कि मैं नारियल पानी लाई हूँ, नारियल पानी पी सकते हैं, ठीक है। और एक आध फ्रूट खा सकते हैं। फिर उसके बाद सीधा शाम को तारा देख के फास्ट खुलता है। तो चलो अभी पहले हम पूजा कर लेते हैं। और लड्डू गोपाल जी के लिए मैं, जैसे मैंने बताया था आपको वीडियो में, मैं कपड़े लेकर आई हूँ, तो इनके कपड़े चेंज कर देती हूँ और इनको भी वहाँ बैठाती हूँ। इनके साथ ही तो पूजा करूँगी ना। तो चलो दिखाती हूँ आपको पूजा। मैंने चेंज कर दी है लड्डू गोपाल की, हम बस पूजा करेंगे। लेकिन अभी ये कर रहे हैं लंच, तो इनके लंच करने के बाद करेंगे पूजा। बोले शंकर भगवान की जय। Thank you.
आठवें की व्रत कथा। इस व्रत को कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार की दीपावली होती है वही आगे भी इसी बार की पड़ती है। इस व्रत को ये स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए, उसी से उसके पास आएगी। तुम उससे अपने अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन तुम कुंड राधा में स्नान करना। तो भाई अब इसका फास्ट खुलने वाला है, तो ये फास्ट खुलेगी सिंगाड़ों से और सेब से, सेब और सिंगाड़े। 2000 years later. तो चाय बन रही है, मैं भी पी लूंगा, थोड़ी सी ज्यादा बना देना। मम्मी मम्मी से, मम्मी तो पिएगी नहीं। अच्छा तो फिर तो फास्ट अब दोबारा कब खुलेगा? खाना बनाऊंगी, आटा लगा दिया। अच्छा आटा लगा दिया, तो आटे की क्या पूरी बनेगी? पूरी बनेगी, आलू की सब्जी बना देती हूँ। आलू की सब्जी बनती है या पूरी हलवा पूरी? बस सब्जी पूरी किससे खाओगे? हलवे से। तो गाइस अभी यहाँ पे बन रही है चाय। चाय बनाती हूँ इनके लिए, पेंट वालों के लिए, और इनके लिए ये पियेंगे। बाकी घर में तो भाई काम छिड़ा हुआ है पूरा, सारा सामान ऐसे हो रखा है, दिखा नहीं सकते, बस ऐसे ही ठीक है। जल्दी चाय दे देते हैं, मैं इतने अब तक सब्जी काट लेती हूं, है ना? सब्जी काट छोंक देती हूं। यस कभी चांद देख ले, चाहिए चद्दर? चद्दर लो येरी, ना नीचे बैठ के रहे। अरे ये लो, ये बिछाओ, ये तो मेरे ओढ़ने का। अरे बिछा लो इसे, ये ठीक है। ये भी भाई करवा चौथ के इक्विवेलेंट है, बस फर्क इतना है करवा चौथ पे चांद देखते हैं और इसे तारे देख के बोलते हैं। नीचे चलिए तुम भी। और तो इस पे तारे देख के व्रत खोला जाएगा। बाकी हलवा जो है ना बहुत टेस्टी सा लग रहा है, बिल्कुल हलवाई वाला लग रहा है। ये इतना पीला कैसे हो जाएगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। सरसों का तेल डाल दिया आराम से, अभी गिरते सरसों का तेल, ध्यान रख अपना। तारा ना है वो, रॉकेट है। अरे रॉकेट है वो, तारा है। कौन से तारे है देख के तो खोले ब्रा, तुम ना बताते हैं। तो एक ही दिख रहा है उनमें तारा। वो तारा तारा नहीं ना, तो तारा चल। हाँ एक यूरा ऊपर वो रहे। हाँ तो वो तारा सामने वो बड़ा था जो। हाँ वहाँ सामने तारा है वो रहा। तारा ही होगा यहाँ भी है ऊपर। आना नहीं बेकार बेकार से भगवान बनाया। तो भाई अभी बन रही है पूरी सब्जी, मम्मी तारीफ कर रही है कि पूरी सही बनाई है, हलवा भी सही बनाया है। मैंने क्या डाला बताओ? सरसों का तेल डाला। पीला करने के लिए कह रहे हो? हाँ तो और कुछ नहीं डाला, बस सूजी हलवा। सारा खेल सूजी की भुनाई का है, पता है तुझे? और कुछ नहीं डाला। चलो और सब्जी हैगी ना, अगर हो सके सब्जी दे दियो इन्हें भी। हो तो पूरी सब्जी खिला देना, पूरी तो सब्जी आज ना है बाबू। क्या हाँ मेरे पैर। अरे यार मेरे ना हमेशा यही दिक्कत है, एक जुराब ढूंढ के दूसरा दे। ये रहा ना हाथ में। जिम जा रहे हो? हाँ। अरे ना जाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, फिर लोग कैसे कह पाएंगे फिर आदमी सूख रहा है, कमजोर हो रहा है, ये हो रहा है वो रहा है, ये भी तो बात है। जा रहे हैं जिम और काम निपट गया मेरे, थोबड़े का हो गया नाश, देखो निशान बहुत ज्यादा हो गया। नहीं वो डर्मेटोलॉजिस्ट तो दवाई एकदम अच्छी दे देती थी। कितनी बार चली गई मैं? कितनी बार जाना होता डर्मेटोलॉजिस्ट? एक बार भी तो ये मुझे दवाई लेके आए नहीं है। मेरी बकवास पूरी करते हैं, बकवास कम बकवास कम। जनी ना तेरी सही बताइए, चल
चेहरे का कुछ कराना पड़ेगा, बहुत निशान, बहुत प्लास्टिक सर्जरी करवा ले। प्लास्टिक सर्जरी करा लूंगा इस जिस जिसको ये एग्री करता है, जो जो एग्री करता है कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करा लूं, वो प्लीज इसमें कमेंट करना। घर में प्लास्टिक पेंट भी हो रहा है, कल तेरे चेहरे का कलर बनवा दे बता। तो गाइस जिसको लगता है कि मेरे को प्लास्टिक सर्जरी करा, प्लास्टिक सर्जरी नहीं नहीं प्लास्टिक पेंट करा ले, कल जो हो रहा है घर में प्लास्टिक पेंट हो रहा है गाइस, मैजेंटा पिंक करा। ना ना ना, अपने जो नेचुरल कलर है तेरा उसी के हिसाब से करवाएंगे ना, ऐसे नखून ऐसे हाथ जाते ऐसी कलर बनवा देंगे तेरे चेहरे जैसा बनवा ले, परमानेंट प्लास्टिक पेंट। एक डेढ़ साल तो देख घर का भी चल जाए, तेरे चेहरे का भी चल जाएगा, वाटर प्रूफ वाला करवाएंगे। बता क्या कहती, ओ ओ खड़े हो तू छोर मेरे भाई साहब। चलो गाइस मिलते थोड़ी देर। The next day. तो गुड मॉर्निंग गाइस, ये हो गई है तैयार जाने के लिए, और देखो कमरा कैसा हो गया। यहाँ से वॉल पेंटिंग हट गई, यहाँ से पेंटिंग हट गई है ना, और यहाँ से तो अभी हटे। अब क्या कराना है इसके लिए, तो हम सोच रहे हैं कुछ यहाँ वाले के लिए, वो लास्ट में दिखा। हाँ लास्ट में दिखाएंगे, फिलहाल अभी कमरा देख लो है ना, तो ये सारे वॉल पेपर हटेंगे। तो अभी ये बिफोर है, हाँ तो ये बिफोर है। देखो देखो सुबह आपने देखा था कैसा था कमरा, और अभी देखो कैसा हो रहा है, पूरे कमरे की रंगत ही चेंज हो गई है, और मच्छर दुनिया भर के आ गए हैं। 2000 years later. तो हेलो गाइस, काफी टाइम बाद फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको सुबह दिखाया था कि वॉलपेपर हमारा लग गया है, ठीक है, और अभी चल रही है पैनलिंग की फिनिशिंग, और उसके बाद ऑफिस से आने के बाद मैंने थोड़ा सा साफ ऑफ कर दिया था। अब मैं सुबह के लिए लंच के लिए, सुबह लंच ले जाने के लिए, हाँ। सुबह लंच ले जाने के लिए कर रही हूँ मैथी साफ, और ये लगे हुए हैं अंदर, दिखाओ भाई अंदर का, आप खुद को भी लगे तैयार हूँ। हाँ कमजोर सा लग रहा हूँ, कमजोर नहीं नहीं बढ़िया लग रहा है। देखो पीछे का कलर आपने देखा, ये ऊपर का, और ये बाकी हमने अपने कमरे का पूरा बाद में दिखाएंगे। हाँ, तो बस मुझे ये व्लॉग का एंड करना था, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हुआ जा रहा है, तो आपको फाइनल लुक मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। टाटा बाय बाय, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अहोई जो जो मनाता है, सेलिब्रेट करता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कैसे मनाते हो, क्योंकि अभी मतलब बच्चे नहीं है, लेकिन मम्मी ने शादी से मेरे को रखवा दिया था, तो इसलिए मैं भी रखती हूँ अहोई, तो मेरा भी अहोई का फास्ट बहुत अच्छा रहा। आई होप आप लोगों का भी अहोई अच्छी रही होगी। बाय।